गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है अपन साइंस की चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, दैट इज हीट। व्हाट इज दैट हीट? देखो वैसे हीट तो आप सब जानते हो, हीट होती क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस जो है उसके जो टेम्परेचर है उसके थ्रू पता करते हैं, उसी को जो है कॉमन वर्ड से क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, राइट। जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है, ये सब तो टेम्परेचर के थ्रू पता चल रहा है, बट टेम्परेचर भी जो है कहीं ना कहीं किसके काउंट होता है, हीट के अंदर काउंट होता है। तो वी कैन से हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है, दैट इज बेसिकली नोन एज इट्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर के थ्रू जो है अपन हीट को मेजर करते हैं, राइट। जहाँ पे वर्ड हीट आता है वहाँ पे जनरली इफ वी ऑलवेज टॉक अबाउट वार्म्थ, राइट। अपने गर्माहट की बात करते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना नहीं है, दैट इज ऑल। इसके बाद में टेम्परेचर जो है ये बेसिकली जो है इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछ लेते हैं टेम्परेचर को जो है किसमें मेजर करते हैं, ह्यूमन बॉडी का बेसिक टेम्परेचर होता है, बेसिक टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूम टेम्परेचर जो होता है बेसिक रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, राइट, हाउ मच वार्म इट हैज, ऑलराइट, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, ऑलराइट। तो हॉटनेस और कोल्डनेस का पता लगाने के लिए बेसिकली जो है अपन एक टर्म यूज में लेते हैं, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हमेशा उसको सेल्सियस में मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, वेरी कॉमन थिंग, पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद में ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक टेम्परेचर होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि जनरली होता है, ऑलराइट, ये स्टेशनरी होता है, बट ड्यूरिंग वी कैन से व्हेनेवर वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जब भी अपनी सब जो है फीवर हो जाता है उस वाली सिचुएशन के अंदर टेम्परेचर जो है टेम्परेचर रेज हो जाता है, और जैसे ही अपन कोल्ड से सफर करते हैं उस वाली सिचुएशन के अंदर जो है टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, राइट। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द रूम टेम्परेचर, बेसिकली द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, बेसिक रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम के अंदर बेसिकली पाया जाता है, सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर, ऑलराइट, दैट इज ऑल अबाउट टेम्परेचर। इसके अलावा टेम्परेचर को जो है एक और यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर्ड इन फारेनहाइट एंड केल्विन और फारेनहाइट के अंदर भी जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट हीट। हीट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट की वार्म्थ जो होती है उसी को अपन हीट बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है
दैट इज इट्स अ टेम्परेचर, और टेम्परेचर के थ्रू जो अपन मेजर करते हैं टेम्परेचर जो है उसको डिग्री सेल्सियस के अंदर अपन मेजर करते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस और रूम का टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा डिग्री सेल्सियस के अलावा अपन फारेनहाइट और केल्विन के अंदर भी जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस known as thermometer, that is known as thermometer. That device is known as thermometer. Generally people ask like what is thermometer, the device which is used to measure the temperature. The device which is used to measure the temperature, the device is known as thermometer. By using the thermometer we can know that what temperature we have. थर्मोमीटर को यूज में लेकर जो है अपन पता कर सकते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग के अंदर जो है टेम्परेचर कितना है। सो दैट इज ऑल अबाउट टेम्परेचर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट थर्मोमीटर एंड काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, यूजेस ऑफ थर्मोमीटर। ऑलराइट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।